हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन साफ क्लासेस। टुडे वी आर लर्न अबाउट पैटर्न्स। ठीक है, क्लास अपने पास फिफ्थ और एक्सरसाइज है 8.1। तो पैटर्न क्या होता है मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पहले मेरे पास एक सर्किल था, ठीक है, उसके बाद एक ट्राइंगल था, उसके बाद एक रेक्टेंगल था, ये तो हो गया कम्प्लीट। ठीक है, अब इसके बाद में जब मैं आगे लिखूंगा तो ये सर्किल था, अब वापस में सर्किल लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर ट्राइंगल लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर रेक्टेंगल लिख रहा हूँ। तो एक मतलब एक इंटरवल के बाद में वापस इसी चीज को वापस क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं अपन पैटर्न। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, कुछ पैटर्न यहाँ पे दे रखे हैं, उन्हें इनको क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर वन है, ऐसा मान लीजिए ये जो सिंबल बना हुआ है ये इस तरीके का बना हुआ है, मेरे पास तीन मार्कर है, ऐसे मान लेते हैं अपन इसको, ये अपने पास क्या है, तीन मार्कर है इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसा बना हुआ है आपके पास। अब इसको पहले क्या इन्होंने रोटेट किया, तो रोटेट करने के बाद कैसा बना, इस तरीके का। फिर एक बार और रोटेट किया तो ये वापस कैसा आ गया, इस तरीके का आ गया, ये ऐसा है। ठीक है, अब जब इसको वापस रोटेट करेंगे अपन, इस वाले मार्कर को ऐसे हैं, इसको वापस रोटेट करेंगे तो ऐसे बनेगा। तो अपने को क्या करना है, एक तो डायग्राम किस तरीके का बनाना है, इसको जब रोटेट करेंगे तो ऐसे, मतलब कि ये वाला पार्ट ऐसे जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। फिर एक बार फिर रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, मतलब ऐसे, और ये वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, इसको देखते हैं, दो एरो थे वो पहले ऊपर है, उसके बाद इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब ये ऐसे रोटेट हो गए, इस बॉक्स पे इन्होंने रोटेट कर दिया तो ये इधर हो गए, फिर रोटेट हुआ ये नीचे आ गए। अब क्या आएंगे, कहाँ आएंगे, रोटेट होने के बाद इधर आएंगे, मतलब ये जो एरो है इनका साइन इधर नहीं, इधर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार और रोटेट करेंगे 90 पे तो इनका साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इंपॉर्टेंट भी है, देखना ध्यान से। ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल, ये सॉरी स्क्वायर ट्राइंगल रेक्टेंगल और सर्किल। तो ये स्क्वायर यहाँ था, यहाँ आ चुका है, ठीक है, उसके बाद नीचे आ चुका है, अब कहाँ आएगा, अब यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले स्क्वायर को मैं यहाँ बना देता हूँ, ये बना दिया मैंने स्क्वायर छोटा सा। अब अगर इसमें यहाँ आए तो अगले स्टेप में आ जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब ये स्क्वायर की तो वैल्यू अपन फिक्स कर चुके हैं। देखते हैं रेक्टेंगल के लिए, सॉरी ट्राइंगल के लिए। तो ट्राइंगल है यहाँ पर इस तरीके का, इसका जो सिर है ऊपर है, इसके बाद ये नीचे आया लेकिन ऐसे रोटेट हो गया है इस तरीके से, फिर नीचे आया एक बार, फिर रोटेट हो गया, अब कहाँ जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा लेकिन एक बार फिर रोटेट होगा। तो ये इसको इधर रोटेट कर देंगे इस साइड पे मेरी तरफ, तो ये ऊपर तो जाएगा और ये इस तरीके से आगे समझ में। अब फिर कहाँ जाएगा, एक बार रोटेट होके उधर जाएगा लेकिन एक बार और रोटेट होगा, तो ये ऐसे जाएगा, ऊपर रोटेट हो गया, ऐसे था ऊपर हो गया, मतलब पहले इस तरीके का ट्राइंगल था, अब कैसा हो गया, अब ऐसा ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा अपने पास इसके बाद, इसको देखते हैं रेक्टेंगल को। तो रेक्टेंगल पहले कहा था यहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन यहाँ थी इसकी, उसके बाद कहाँ चला गया, ऊपर, उसके बाद कहाँ चला गया, लेफ्ट में। अब इसके बाद क्या आएगा, ये नीचे आएगा, मतलब ऐसे रोटेट हो रहे हैं एक दूसरे की साइड में, यानी कि सीट चेंज कर रहे हैं अपने भी। तो ये रेक्टेंगल यहाँ था तो इस बार क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, मतलब ये रेक्टेंगल यहाँ आ जाएगा। और अगले बार में कहा आएगा, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से आ जाएगा। बचा क्या, सर्किल, देख सकते हो आप सर्किल, सर्किल पहले यहाँ था अब वो यहाँ आ चुका है, ये रहा, उसके बाद नेक्स्ट में वो यहाँ जा चुका है, ये रहा, अब कहा आएगा, इसके बाद यहाँ आएगा, मतलब यहाँ सर्किल आ जाएगा, इसके बाद कहा आएगा, नीचे आएगा। तो ये पैटर्न अपना कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कंप्लीट द पैटर्न। ठीक है, इसको कंप्लीट करना इजी सा है, बस अपने को ये पता रखना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है, मतलब कि क्या कन्वर्ट हो रहा है। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, तो यहाँ पर आ रहा है 7 के बाद कितना गया 12 के बाद आ गया 17 के बाद 22। अगर अपन इसको नोटिस करें तो अपन देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, +5। आगे हम देखते हैं वापस, इसमें कुछ अलग तो नहीं है, इसमें भी सेम टू सेम +5, इसमें भी सेम टू सेम +5। तो जो रिमेनिंग टू टर्म्स अपने को लिखनी है उसमें भी +5 ही करना है, मतलब 7 में +5 किया तो 12 आ गया, 12 में 5 ऐड किया तो 17 आ गया, 17 में 5 ऐड करेंगे 22 आ रहा है, तो 22 में 5 ऐड करने के बाद कितना आएगा 27, यानी कि एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं 27 में 5 और ऐड करते हैं तो कितना आएगा 32। ठीक है, इसमें चेक करते हैं 10 20 30 40, आप पता लगा सकते हो कि इसमें क्या ऐड हो रहा है, प्लस का 10 ऐड हो रहा है। अगर इसे पता नहीं लगे तो सिंपल सा है, सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लो, पता लग जाएगा। 30 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 आया है, मतलब कि इसमें भी क्या ऐड किया होगा, इसमें भी 10 ऐड किया होगा, डिफरेंस कितना है इनका 10 का डिफरेंस है। तो 40 में 10 ऐड करेंगे तो 50 और यहाँ पर 60। थर्ड वाला है, इसमें देखना 29 से, देखो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, मतलब बिग स्मॉल टू बिग आती है तो ऐड करते हैं। ठीक है, मतलब आगे बढ़ने के लिए ऐड या मल्टीप्लाई, व्हिचएवर जो भी है,
और अगर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू आ रही तो सब्ट्रैक्ट होगा ऑफ कोर्स, तो यहां देखते हैं कि 29 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया कि 24 आ गया, तो क्या सब्ट्रैक्ट किया 5, फिर वापस 5, फिर वापस 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है 14 में से वापस 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना जाएगा मेरे पास 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा 4। ये पैटर्न हो चुका है अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है कि आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करना है मतलब कि अपने को फिल करना है ब्लैंक्स को, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, इस तरीके का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और इसके इंपॉर्टेंट चांस है, मैक्सिमम चांस है एग्जाम में आने के, तो इसको अच्छे से देखना। कुछ नहीं इसमें, या तो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा या मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा, ठीक है। तो चार ऑप्शन होते हैं अपने पास, तो पहले इसको देख लेते हैं। इसमें देखो अपने को क्या करना है, जो वैल्यूज अपने को गिवन है उनको देखना है, उनसे पता लगाना है कि इसमें हो क्या रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है 7 और यहाँ पर 8, अगर 7 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं। आगे देखते हैं, 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो भी माइनस का नहीं आता, मल्टीप्लाई करने पे नहीं आ रहा, डिवाइड करने पे नहीं आ रहा, बचा क्या प्लस करने पे। तो 7 में अगर मैं 8 प्लस करता हूँ तो 15 आता है, यस ऑफ कोर्स आता है। इधर चेक कर लेते हैं, 9 में 10 ऐड करते हैं तो 19 आता है, मतलब इसमें जो पूरा है इसमें आपको क्या हो रहा है प्लस ऑपरेशन फॉलो हो रहा है, मतलब कि प्लस करना है सभी वैल्यूज को, दो दो वैल्यूज को प्लस करना है। उसकी जो जिस जो ब्लैंक्स है अपने पास वो जिसके ऊपर बना हुआ है, जिन दो बॉक्सेस के ऊपर बना हुआ है, उन दोनों वैल्यूज को क्या करना है प्लस करना है और यहाँ आंसर लिखना है। तो इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा, तो इन दोनों का आंसर यहाँ पर आएगा 8 और 9 को सब प्लस करना है, कितना आएगा 17। आप क्या करेंगे, इन दोनों बॉक्स को प्लस करेंगे तो यहाँ आंसर लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं। देखो तो इन दोनों को क्या करते हैं प्लस करते हैं, ठीक है ना। तो 15 और 15 30 होता है, और 30 और 2 कितना हो गया 32, मतलब इन दोनों का एडिशन यहाँ पर आ गया इस तरीके से, इसका और इसका एडिशन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसको इसको प्लस करते हैं तो 10 और 10 तो कितना हो गया अपने पास में 20 हो गया, 20 और 9 29 और 30 ये हो जाएगा मेरे पास 36, ओके डन। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा, तो 6 और 2 8 और 3 98 इसका आंसर आ चुका है, यानी कि ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है मेरे पास, ठीक है। और लगभग 3-4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। और देखो अब चलते हैं इसकी तरफ, तो अगर 1 में 2 ऐड करते हैं तो 2 तो नहीं आता वापस, 1 में से 2 माइनस करते हैं तो भी 2 नहीं आता, डिवाइड करते हैं तो भी नहीं आता, तो फिर क्या करेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आता है 2 ही आता है वापस, यानी 2 1 जा 2 सही है, 3 4 जा 12 ये भी राइट है, मतलब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें क्या लग रहा है अपने पास, इसमें मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन फॉलो हो रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 जा 6, ठीक है, 6 2 जा 12 और यहाँ पे 6 12 6 जा 72। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 72 × 12 ये हो जाएगा अपने पास 2 जा 4, 7 2 जा 14 × 2 और 7 जा 7 4 6 8 864 ये अपना आंसर कंप्लीट हो चुका है इसका, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, ठीक है, और आप उस वीडियो को देख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।